हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपने देख लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं फेसियल पपाया विद कर्ड का। तो ये पपाया और कर्ड का फेसियल है, बहुत अच्छा ग्लो करेगा, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पे भर भर के ग्लो लेके आएगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, झुर्रियों को दूर करेगा, क्योंकि पपाया में होता है पपेन, वो अच्छा होता है स्किन के लिए। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस समय कुछ भी अप्लाई नहीं करा है अपने फेस पे। ओके, मैंने कोई मेकअप का यूज नहीं कर रखा है, तो काफी अच्छा फेस हो गया है हमारा। विंटर में तो आप जरूर कीजिएगा, आपकी स्किन शाइन होगी, ग्लो होगी, स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि विंटर में स्किन क्या है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से वो ब्लैक रंग की जो परत है वो हमारे स्किन पे जम जाती है, बहुत बुरी लगती है, और डेड स्किन, डेड स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है। आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं होने देगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, हील करेगा, और ये बहुत इफेक्टिव फेसियल होगा। आपको कोई पार्लर सैलून वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, सैलून पार्लर से भी अच्छा ये फेसियल आप अपने घर पे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ईजीली है, आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज करा है घर पे मिल जाना है, और बहुत अच्छा है। आप यूज करोगे तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा अपनी स्किन पे, तो मैं सजेस्ट यही करूंगी, आप जरूर यूज कीजिए। और हाँ गाइज, अभी तक आपने मुझे लाइक नहीं किया है, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी आगे देखने पर। और गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करके जाना, बगल में नोटिफिकेशन को ऑन करना। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने पपाया लिया है, चार पांच छोटे टुकड़े पपाया के, और इसमें 2 स्पून कर्ड डाल के दोनों को मिक्सर में एक पेस्ट बना लिया है। ओके, ये हमारा बन गया है पेस्ट, इसी से हम बनाएंगे आज का पपाया फेसियल। तो सबसे पहले हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, हम 4 स्टेप नहीं, 3 स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा क्लींजर एंड स्क्रबर दोनों एक ही होंगे, उससे हमारा क्लींजिंग भी हो जाएगी और हमारा स्क्रबर भी हो जाएगा। तो 2 इन 1 हम काम करेंगे, ताकि हमारा जल्दी जो है हमारा आज का फेसियल खत्म हो जाए, और हमें हमें इफेक्ट भी अच्छा मिले, और हमारा टाइम भी इतना ना लगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लेंगे स्क्रबर के लिए, हमने लिया है 1 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर जो है बहुत अच्छा होता है, इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये एक अच्छा एक्सफोलिएट का काम करता है। डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी, और जो पोर्स में जो गंदगी जमा हो जाती है वो भी इससे दूर होगी। हमारा जो कर्ड एंड पपाया का जो पेस्ट है ये हम 1 स्पून इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम मिला देंगे। ये हमारा स्क्रबर बन के रेडी हो गया है, क्लिंजिंग विद स्क्रबर, ये हमने जो ये बनाया था काफी अच्छा है। इसको हमें 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लेनी है, इसको आपको 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लेना, फिर आप इसे वॉश कर सकते हो इस तरीके से। ये आपकी स्किन से सारे डर्ट डस्ट को निकाल देगा, आपके पोर्स में जो डस्ट जमा हो जाते हैं, नोज के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसमें डस्ट डर्ट जमा हो जाते हैं, तो उससे हमारे हो जाते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, तो ये उनको रिमूव करेगा। और सभी स्किन टाइप के लिए बनाया गया है, ऐसे नहीं है कोई भी स्किन टाइप ना लगा सके, तो सभी स्किन टाइप के लिए बनाया है। किसी की एक्ने पोर्स स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, ओके सेंसिटिव होती है, सभी स्किन टाइप के लिए है। बस ये है कि आपको धीरे धीरे ये रब करना है, इतना तेज से नहीं करना है। विंटर में बहुत अच्छा है, आप इसे यूज करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप अपना पैसा बचाइए और इसे आप घर पे ही करिए। और अगर आपके पास में अभी पपाया पड़ा है ना, तो आप अभी कर सकते हो मेरे साथ में, तो अच्छा लगेगा। तो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव होंगे, डस्ट और डर्ट को दूर करेगा, बिल्कुल स्मूथ आपकी स्किन हो जाएगी विंटर में, और ग्लो करेगी। फेस जो है वॉश कर लिया है, काफी अच्छा हमारा फेस बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। ओके, तो मसाज क्रीम मैं इसमें बनाऊंगी, विंटर है तो विंटर है, विंटर मसाज क्रीम तैयार करेंगे। इसमें मैं 1 स्पून एलोवेरा जेल का ऐड कर लूंगी, तो आप थोड़ा सा अंदाजे से भी डाल सकते हैं। ओके, 1 स्पून हमने इसमें ऐड कर लिया है एलोवेरा जेल का, और इसमें मैं ऐड करूंगी बादाम रोगन तेल। इसमें मैं बादाम रोगन तेल जो है ऐड कर लूंगी, ये भी मैं 1 स्पून
ऐड कर लूंगी। बहुत अच्छी आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें यूज करेंगे ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन बहुत अच्छी होती है आप ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन में हाफ स्पून यूज कर लूंगी। ये आपके मॉइस्चर को लॉक करके रखेगी और एक अच्छा ग्लो आपके फेस को देगी ग्लिसरीन, तो विंटर में जरूर यूज करनी चाहिए। ओके, और अब हम यूज करेंगे हाफ स्पून हनी का। आपके पास में कुछ सामान ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो हाफ स्पून हमने लिया है हनी, 1 स्पून अपना पेस्ट जो हमने तैयार करा है पपाया एंड कर्ड का, ये 1 स्पून हमने ऐड कर दिया है और ये एक अच्छी क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। स्किन पे वो हमारा इफेक्ट नहीं आएगा और जैसे आपकी स्किन थी उसे डबल उसे और अच्छी हो जाएगी। तो आप जरूरी ऐसा फॉलो करोगे ना तो आपके कोई भी चीज़ का बेकार इफेक्ट नहीं आएगा। आपका मेकअप जो है बहुत अच्छा होने होगा, तो मेकअप से पहले भी कर सकते हो या फिर आपकी स्किन मेकअप के थ्रू खराब हो गई है तो मेकअप के बाद में भी आप तो ये फेशियल जो है यूज कर सकते हो। विंटर में आपको वीक में 1 टाइम तो जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है, ये नेचुरल फेशियल है तो आप इसे यूज कर सकते हो, तो इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये सब स्किन पे सूट करेगा, बट फिर भी आपको जरूर पैच टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये मेरी स्किन पे सूट करता है कि नहीं। यानी कुछ कुछ ऐसा होता है कि किसी की स्किन के लिए नहीं बना होता, वो उस पर सूट भी नहीं करता है। तो बस हर चीज का पैच टेस्ट जरूर करना है। तो गाइस देखिए, ये है ना, अपने लिप्स पे भी नहीं छोड़ना है, ड्राई हो जाते हैं, चिर जाते हैं। लिपस्टिक भी आप लगाओगे ऐसे ड्राई हो लिप्स तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस यही करना है आपको, 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं वो भी आपको दबाने हैं, और मसाज कैसे करनी है ये मैंने वीडियो बना रखी है, तो इसके एंड में मैं वो वीडियो आपके डाल दूंगी, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। जब भी आप मसाज करें तो वही ट्रिक आप फॉलो जरूर कीजिए, तो आपकी स्किन में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो स्किन पे ग्लो ऑटोमेटिकली आता है। इस फेशियल से आपकी जो स्किन जो है लाइट हो जाएगी गाइज, फेयर हो जाएगी, तो जरूर अप्लाई कीजिए। तो गाइज देखिए, इसको जो 15 मिनट आप कर लो ना, मसाज कर लो, तो इसको वॉश नहीं करना है आपको, इसी के ऊपर आप पैक लगाओगे, पैक का यूज करना है। अब हमको बनाना है पैक, तो पैक के लिए मैं लूंगी चंदन पाउडर, ये मैंने खादी का लिया है। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हाफ स्पून हम ले लेंगे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और हाफ स्पून हम लेंगे खादी का हिबिस्कस पाउडर, ये काफी अच्छा होता है, इससे आपकी पिगमेंटेशन दूर होगी, झुर्रियों को दूर करता है। ये भी हमने हाफ स्पून ले लेंगे, ये झुर्रियों को दूर करता है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं जो हमने कर्ड एंड पपाया का पेस्ट बनाया था उनको, और क्वांटिटी में ये ऐड हो जाए, अच्छे से पेस्ट बन जाए, उतनी क्वांटिटी में ये आपको ऐड करना है। तो ये मैंने 1 स्पून डाल लिया है, अब हम मिला के देखते हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये और ऐड होना मांग रहा है, थोड़ा सा ये और ऐड होगा। तो इसमें से क्या है, मैं ये जो सारा जो बचा है वो इसी में डाल दूंगी। तो ये हम फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आपका पास में ब्रश हो तो आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। तो मैं फिंगर की हेल्प से ही इसको जो है यूज कर लूंगी अच्छे से। ओके, आप इस पैक को 15 से 20 मिनट रखिए और फिर उसके बाद में वॉश कर दीजिए। आपकी स्किन जो है निखर जाएगी, ग्लो हो जाएगी, और विंटर में जो है आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाएगी। विंटर में स्किन ड्राई हो जाती है, ब्लैक लेयर बन जाती है विंटर में स्किन पे, वो दूर हो जाएगी।
आपकी स्किन जो है फेयर हो जाएगी, जो हर कोई चाहता है कि स्किन फेयर हो, स्मूथ हो। ओके, यानी जो आपके स्किन का कलर है, स्किन कलर से आपकी जो स्किन जो है पहले से ज्यादा फेयर हो जाएगी। अगर आप अच्छा रूटीन फॉलो करते हो तो उस आपका जो स्किन कलर है उस स्किन कलर से आप 3 से 4 टोन अपने स्किन कलर को फेयर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो आपका स्किन कलर है आप उसको फेयर करने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छा ग्लो करने की कोशिश कीजिए।